हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे करते हैं सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की तैयारी, और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है सीटेट स्पेशल क्लासेस की। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ क्रूशियल क्वेश्चंस की। 15 क्वेश्चंस तक बाल विकास के हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे हमारे लास्ट वीडियो में, यानी कि बच्चों का विकास वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, ये किसके द्वारा ज्ञात किया गया है। तो ये तीनों जो भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, गाल्टन और मैकडूगल और मेंडल जी, उपरोक्त सभी इसका जो है वो उत्तर था। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि 16 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। विकास में तीव्रता होती है, जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव होता है, संचय की प्रवृत्ति का विकास होता है, अनुभव की वृद्धि और संचय होता है। ये बात करते हैं बालक की मानसिक क्षमता जो जो बढ़ती है ना, उनका झुकाव जो है वो जीवन की वास्तविकता से उनके प्रति होने लगता है। तो संचय की प्रवृत्ति उनके अंदर बढ़ने लगती है, स्मरण शक्ति का जो है वो विकास होने लगता है, जिससे बालक जो अपने अतीत के अनुभवों को टटोल भी लेता है और विशेष परिस्थिति में स्मरण करके उसका लाभ भी उठाता है। जैसे एक बार आपने अगर गलती की है तो हम नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, है ना। तो ये कहाँ से हम सीखते हैं, अपने ही एक्सपीरियंस से जो है वो इंसान सीखता है। तो शैशवावस्था में तीव्र गति से उसका विकास जो होता है, और बाल्यावस्था में जो है वो शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो उसमें थोड़ी सी जो है वो स्थिरता आ जाती है, यानी कि पहले तो जो ग्राफ है वो एकदम तेज़ी से बढ़ता है, फिर धीरे से जो है वो लो हो जाता है। यानी कि ये जो इसका पॉइंट है, यानी कि ये वाला, ये जब है इसमें होती है तीव्रता, और ये जो पॉइंट है ये इनका होता है शैशवावस्था का, जब वो तीव्र गति से कोई भी चीज़ को सीखते हैं। और इसके बाद जो है इनकी कोई भी इनकी जो शारीरिक मानसिक विकास है ये थोड़ा सा जो है वो लो हो जाता है, और ऐसे फिर चलते रहता है, फिर हाई होता है, फिर लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विकास में जो है वो तीव्रता हो जाती है, इससे जो है वो संबंधित ये नहीं है विशेषताएं। क्यों? क्योंकि देखिए तीव्रता भी आती है तो कहीं मंदी भी आती है, फिर तीव्रता आती है। ये एक आपकी जैसे मार्केट होती है, शेयर मार्केट कह सकते हैं, उसमें जैसे ही आपकी प्राइस बढ़ती है फिर लो भी तो होती है ना, वैसे ही हमारा विकास भी है, लो होता है, हाई होता है, लो होता है, हाई। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा कि विकास में तीव्रता हो जाती है तो ये गलत है, तो ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी चीज़ें जो है वो संबंधित है। यानी कि जीवन की वास्तविकता के प्रति हमारा झुकाव होता है, जी बिल्कुल, संचय की प्रवृत्ति का भी विकास होने लगता है, बिल्कुल, और अनुभव की वृद्धि और संचय होती है, अपने अनुभव से हम सीखते हैं, ये भी इसका उत्तर जो है वो सही है। लेकिन क्या नहीं संबंधित है, तो वो है आपका विकास में तीव्रता। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यार्थी कहता है उसका चाचा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। अच्छा, उसके चाचा जी आए हैं, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, चाचा आया है इस जगह पे चाचा जी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे बेस्ट है कि हम जब विद्यार्थी कहता है कि भाई उसके चाचा आया है, तब एक शिक्षक होने के नाते हम उसको अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि अच्छा उसके चाचा जी आए हैं, ये बोल देने का, ना कि भाई बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो, चाचा आया है इस जगह पे, भाई चाची जी आए, चाचा जी आए हैं, ये कहना भी उचित नहीं है। और बोलना कि भाई अपनी भाषा पे ध्यान दो, बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, तो जब आप सही बोलेंगे ना वो ऑब्जर्व ही करेंगे। तो अच्छा उसके चाचा जी आए हैं, ये अगर हम कहते हैं तो बच्चा जो है वो उसको कह के अगर व्यक्त करेंगे तो छोटे विद्यार्थी क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। और शिक्षक होने के नाते आपको विद्यार्थी की भाषा का विकास तो करना ही है, ना कि उसको रोक टोक के भाई डांट के डपट के उसको सिखाना है। तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, अगर आप अच्छे से बोलेंगे तो बच्चे जो है वो वही ग्रहण करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक मान्यताएं प्राप्त करना, उनकी भूमिकाओं को निभाना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, या फिर उपरोक्त सभी। बात करते हैं यहाँ पे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने समाज के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्य एवं प्रथाएं, मतलब ये सारी चीज़ों को जो वो बालक जो वो ग्रहण करता है। तो यहाँ पे यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाता है, देखिए बालक जो है समाजीकरण के द्वारा समाज में ठीक प्रकार से रहना सीखता है, और वह समाज के नियमों व्यवहारों को अपना के जो है अपना विकास भी करता है। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस जो है वो सही है, यानी कि सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना भी है, सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमिकाओं को निभाना भी है, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास भी है। तो उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, परिपक्वता का
और सीखने, ये दोनों चीज़ें हैं, इसके उत्तरदायित्व परिस्थितियां हैं क्या? संगठनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, या फिर इसमें से कोई नहीं? देखिए, बात करते हैं परिपक्वता और सीखना, दोनों ही संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक नहीं। तो ये जो है, बालक अपने वातावरण की जो भी उसका परिवेश है उसके साथ वो मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस चीज़ों को वो जो है सीख लेता है। और इस प्रकार से सीखते टाइम क्या होता है कि बालक जो अपने विचार में नए विचारों को भी सम्मिलित करता है, और धीरे धीरे जो है वो अनुभव के आधार पर उसके अंदर जो है वो परिपक्वता आने लगती है। तो परिपक्वता और सीखना दोनों ही किसके उत्तरदायित्व है? यह है अपने संज्ञानात्मक विकास की परिस्थितियों के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जिन बच्चों को वाचन, लिखने एवं वर्तनी में कठिनाई अथवा भाषा को समझने में कठिनाई आती है, वे किससे ग्रसित होते हैं? देखिए, वाचन के लिए जो है कठिनाई या लिखने में, वर्तनी में कठिनाई आती है, तो उस बच्चे को सीधा सीधा साफ साफ वही डिसलेक्सिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डिसलेक्सिया में होता क्या है? तो पढ़ने लिखने से एक खास प्रकार की जुड़ी हुई विकलांगता होती है कह सकते हैं, जिसके अंदर बालक क्या होता है वो उसके बोलने का जो तरीका है या फिर लिखने का जो तरीका है उसमें वर्तनी में जो है वो उसको कठिनाई महसूस होती है, उसकी भाषा समझने में भी कठिनाई होती है। और ये कुछ कौशल होते हैं जो वो उनको सीख सकते हैं, अगर सीख लेंगे तो वो फिर से जो है वो प्रभावित तरीके से भाषा पे अपना कमांड पा सकते हैं। लेकिन बच्चे की बौद्धिकता जो होती है वो सामान्य स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसके अंदर डिसलेक्सिया नहीं पाया जा सकता है, पाया जा सकता है, ठीक है। हम किसी की मेंटल एबिलिटी को उसकी लिखने पढ़ने की एबिलिटी से नहीं आंक सकते हैं। तो डिसलेक्सिया जो है ये आपका लिखने में, वर्तनी में कठिनाई या वाचन संबंधित जो कठिनाई इसमें आती है, तो ये हो जाता आपका डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके आदर्श प्रतिमान डैश से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, माता पिता एवं भाई बहनों से, नेता एवं मित्र मंडली से, दूरदर्शन के चरित्र नायकों से, मित्रों एवं रिश्तेदारों से। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे बालक बड़ा हो जाता है तो वो किससे सीखता है? सबसे पहले आदर्श कहाँ से आते हैं हमारे पास? तो हमारे पास आदर्श घर से आते हैं। और घर में कौन रहता है? सबसे पहले तो हमारी मुलाकात होती है अपने माता पिता से, फिर अपने सिबलिंग्स से, भाइयों बहनों से। तो ये इसका जो है वही सही उत्तर है, यानी कि उसके आदर्श प्रतिमान जो है वो माता पिता भाई बहनों से जो है वो प्रतिस्थापित होने लगते हैं। प्रतिस्थापित होने का मतलब है उसके थ्रू जो है वो सीखते हैं और उनके गुण जो है वो उनके अंदर आते हैं। और जो है ऑफकोर्स परिवार के वातावरण का भी उस बच्चे पे जो है वो प्रभाव पड़ता है, उनके जो क्रियाकलाप है उसके अंदर वो आत्मसात करता है, उसके जो है वो आदर्श प्रतिमान जो है वो प्रस्थापित कर लेता है, गुण जो है वो सीख लेता है कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन, माता पिता एवं भाई बहनों से उसके आदर्श प्रतिमान जो है वो स्थापित होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक सृजनशील हो तो क्या करना चाहिए? एक सहायक एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए, माता पिता एवं शिक्षकों का हस्तक्षेप होना चाहिए, या फिर माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा आलोचना होनी चाहिए, या फिर कठोरतापूर्ण वातावरण होना चाहिए। देखिए, प्रत्येक बालक के अंदर सृजनशीलता का अगर हमें विकास करना है तो उसके साथ संयोगात्मक भूमिका, भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, है ना। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगर उसे हम डरा धमका के रखेंगे तो बच्चा पहले से ही डर जाएगा और कुछ भी नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे जो है वो एक सहायक एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे बालक के अंदर सृजनशीलता जो है वो इसके विकास के लिए उसमें फिर निर्देशन दे सकते हैं, उसको स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य वो कर पाए। ताकि अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? लड़के एवं लड़कियों को समान संख्या में प्रवेश लेना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, या फिर शिक्षकों के द्वारा लिंग पक्षातपूर्ण व्यवहारों का जो है वो अधिसंज्ञान करना, यानी पक्षपातपूर्ण जो है वो उनके व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। यहाँ पे बात करते हैं विद्यालय में अगर हमें लिंग भेदभाव, इससे अगर हमें बचना है तो इसका सर्वोत्तम तरीका जो होगा वो होगा आपका लिंग पक्षपातपूर्ण, जो हम एक पक्षपात का भेदभाव रखते हैं कि ये लड़का है इसे सिंगिंग नहीं करना चाहिए, ये लड़की है इसे सिर्फ डांस करना चाहिए, कुकिंग करना चाहिए, लड़का भी शेफ बन सकता है भाई और लड़की भी क्रिकेटर बन सकती है। तो ये जो पक्षपात हम करते हैं कि भाई लड़का है इसे क्रिकेट खेलना है, लड़की है इसे कुकिंग करनी है, सिलाई सिखानी है, ये चीज़ जो है वो
गलत है तो शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षातपातपूर्ण जो व्यवहार है उसको जो है वो अधिक संज्ञान में हम अगर ले लेते हैं कि हमें जो है वो ऐसा बिहेवियर नहीं करना है उनके प्रति कि भाई ये लड़का ऐसे ये करना चाहिए, लड़की ऐसे ये करना चाहिए, तो ये जो है एक तरीके का रूढ़िबद्धता की भावना आ जाती है सर टीचर्स के अंदर, जो कि ये उन्हें करने पे मजबूर करती है कि भाई ये लड़का है ये तो यही कर सकता है, ये लड़की है ये तो ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकती है। तो ये सारी एक चीज़ें हैं कॉमन सी है जो कि समाज में अभी भी कहीं ना कहीं चल ही रही हैं। ए ऑप्शन जो है वो, अरे सॉरी, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये सर्वोत्तम तरीका होगा अगर हम उसे पक्षपातपूर्ण जो बिहेवियर है वो अगर ना करें तो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है उसमें गुणवत्ता का आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान एवं संदर्भ में संरचित को, या फिर बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार के लिए? ये बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की, यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो है गुणवत्ता आयाम शीर्षक के लिए अंतर्गत जो भी बालक है उनके लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार, इसके लिए जो है वो इसके सकारात्मक रूप में हम इसे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है हमें मेन जो है इम्पोर्टेंट किसे दिया गया है तो वो है बालकों के लिए संरचित अनुभव और उसके पाठ्यक्रम को सुधार के लिए जो है वो बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए यहाँ पे आपका सभी ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि संवेगात्मक समायोजन जो है वो कब प्रभावी होगा? व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रभावी होगा, कक्षा शिक्षण में भी प्रभावी होगा, डिसिप्लिन में भी प्रभावी होगा। तो बच्चे में जो है वो संवेगात्मक समायोजन है वो सब टाइप से जो है वो प्रभावी होगा, यानी कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो कक्षा शिक्षण में अनुशासन से सही दिशा में अगर दी जाए और इसका प्रयोग जो है वो पॉजिटिव रूप में हम कर सकते हैं तो इस संदर्भ में अध्यापक की भूमिका क्या होगी? विशेष होगी, है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, समन्वित शिक्षा का सफलता निर्भर करता है किस पे? समुदाय के समर्थन पे, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या फिर शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर? बात करते हैं समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्यपुस्तकों पे, वे उनकी उत्कृष्टता पर निर्भर करता है कि वो कितनी उत्कृष्ट पुस्तक है, सिर्फ उसके कवर से नहीं उसके इंटीरियर मटेरियल से। ठीक है, घर जो है वो बाहर से अट्रैक्टिव हो तो उसे घर नहीं कहते हैं, घर में अगर एकता हो तो उसे घर कहते हैं। तो यहाँ पे समन्वित शिक्षा जो है वो उसकी सफलता जो है पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर जो है वो निर्भर करती है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे सही होगा। तो पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों का भाई चयन करना कि भाई जो जो चीज़ें लेके आओ जिससे बच्चे का जो है वो सही तरीके से समायोजित विकास हो सके और उसके जो है सभी सामाजिक गुणों का भी हम विकास कर सकें और व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की हम पूर्ति भी इसके थ्रू कर सकें। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजक, साम्यधारण, आत्मसातकरण, या फिर संगठन? बात करते हैं यहाँ पे आत्मसातकरण की, वह प्रक्रिया जिसमें बालक जो है वो नए ज्ञान या फिर कह सकते हैं नई जानकारी को प्रचलित योजनाओं में शामिल कर लेता है। तो बालक जो है वो नए ज्ञान को क्या कर रहा है, नए ज्ञान को वो आत्मसात कर रहा है और पुराने ज्ञान में क्या कर रहा है, अपनी स्कीमा में वो इसको ग्रहण कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, आत्मसातकरण कर रहा है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना है, यानी कि पहले तो उससे बताया गया था कि भाई एक पूंछ वाला जानवर जिसकी चार टांगे हैं, दो आँख है, दो कान है और एक पूंछ है और काले कलर का अगर दिखता है तो वो क्या है, गाय है, बता दी गई है। तो अगर उसने ऐसे ही सेम जानवर घोड़े को इसी रूप में देखा है तो उसे जब जानकारी मिलती है कि नहीं ऐसा है कि इस जानवर को हम घोड़ा कहते हैं और इसको जो है हम गाय कहते हैं, तो ये जब पुरानी जानकारी उसके पास गाय की थी ऑलरेडी, लेकिन अब घोड़े के बारे में भी वो जानने लगा है कि ब्लैक कलर का सिर्फ गाय नहीं होता है, घोड़ा भी हो सकता है ऐसा जानवर, तो ये क्या है, उसने अपनी प्रचलित जानकारी उसके पास क्या थी, ये थी उसके पास गाय की, और नई जानकारी इसने किसकी जोड़ी, घोड़े की। तो दोनों को जब उसने आत्मसात कर लिया और अपने स्कीमा में सम्मिलित कर लिया तो उसने क्या किया, यहाँ पे आत्मसातकरण किया। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण क्या है?
इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल ही नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, या फिर अध्यापक को गंभीरतापूर्वक न लेते हुए नैतिक निर्णय करना। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे बच्चों में सीखी गई नी सहायता का कारण जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो है अगर नी सहायता का कारण पूछा है तो देखिए उनके व्यवहार में ये अर्जित कर लेना कि भाई वो सफल ही नहीं हो सकते, यही सबसे खराब चीज़ है कि वो ये चीज़ अगर अपने अंदर बिठा लिए एक बार कि हम सफल ही नहीं हो सकते, तो भाई सच में कभी नहीं सफल होगा बच्चा। बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं कि भाई कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय लेना, अभी कठोर निर्णय भी नहीं लेना चाहिए एकदम से, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं तो वहाँ पर लेने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो सबसे मेन जो है वो बच्चों में सीखी गई नी सहायता का कारण यही होता है कि बच्चा जो सबसे मेन चीज़ है जिसकी वजह से वो नहीं सीख पाता, वो खुद के अंदर ये डेवलपमेंट कर लेता है कि भाई मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, मैं ये सीख ही नहीं पाता हूँ। इसलिए इस व्यवहार को वो अर्जित कर लेना कि भाई वो सफल नहीं हो सकते, यही जो है वो उनकी नी सहायता का कारण है। ये उनको कहीं पर भी मोटिवेट नहीं करेगा, हेल्प आउट नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में एकाकी रहने वाला छात्र के साथ आपके अपेक्षित व्यवहार क्या होगा? स्नेह एवं उत्साह से परिपूर्ण, तिरस्कार एवं विश्लेषणा से परिपूर्ण, उपेक्षित एवं अंतर्मुखी, निंदनीय एवं प्रताड़नापूर्ण। ये बात करते हैं यहाँ पे हम कि कक्षा में एकांकी रहने वाला छात्र जो है इसके साथ शिक्षक का व्यवहार जो है वो स्नेह एवं उत्साहपूर्ण ही रहना चाहिए, है ना। अगर उसको तिरस्कार कर देंगे तो भी बच्चा जो बोलने वाला है वो भी नहीं बोलेगा। और उपेक्षित एवं अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट टाइप के भी रहेंगे तो भी बच्चा जो है वो डेवलप पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। और निंदनीय और प्रताड़नापूर्वक उसको डांटते मारते रहना या फिर उसको बार बार बुला भला कहते रहना, इससे भी काम नहीं चलेगा। अगर एकाकी रहता है छात्र, बहुत अकेला है, इंट्रोवर्ट ऑलरेडी है, उसको हम और ज़्यादा इंट्रोवर्ट करने की कोशिश करेंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, तो उसके साथ बातचीत करना है और उत्साह से बात करना है, स्नेह वाला जो है वो बिहेवियर उसके साथ रखना है हमें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में मंद गति से सीखने वाले बालक यानी कि उसके छात्रों के सुधारों के लिए हम क्या करेंगे? तो उसे जो है वो परिश्रम से पढ़ने के लिए कहेंगे, अभिभावकों को उसकी धीमी गति से परिचित कराएंगे, किसी विशेषज्ञ से संपर्क करा के उससे राय लेने के कहेंगे, या फिर उसे पढ़ाई छोड़ देने के लिए कहेंगे। देखिए पढ़ाई छोड़ देने की सलाह हमें कभी भी नहीं देनी है। उसे भाई संपर्क करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी बच्चा स्कूल में क्यों आता है? सीखने के लिए आता है ना। और उसे हम कहते हैं भाई किसी विशेषज्ञ के पास जाके राय ले लो, तो हम किस लिए हैं भाई? अभिभावकों को इसकी धीमी गति का जो है वो परिचित कराना है, तो भाई हमको अभिभावकों को कहीं ना कहीं बताना तो है, लेकिन ये नहीं कि भाई उसको कम आता है उसको जाके सिखाओ। ठीक है, उसको हमें डेवलप करना है, तो उसे जो है वो परिश्रम से पढ़ने के लिए कहेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो कक्षा में जो भी मंद गति का बालक है उसको सीखने के लिए सुधार हेतु हम उसे परिश्रम से पढ़ने के लिए जो है वो मोटिवेट करेंगे, क्योंकि परिश्रम से वो धीरे धीरे क्या करेगा, सीख लेगा, और उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि वो कार्य को किसी भी चीज़ को वो अच्छे से तीव्र गति से करने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाते हैं, यानी कि पार्ट वन वीडियो का, पार्ट टू वीडियो का, दोनों में 15 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।